हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का क्वेश्चन वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो 13वां चैप्टर होगा, जो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित है। इनके सारे सवालों को देखेंगे। अगर आपने इनसे पहले 12 वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को अवश्य देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर से। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड होता है, और इसकी ये ऑस्टेड जो है हैंस क्रिश्चन ऑस्टेड के सम्मान में रखा गया। हैंस क्रिश्चन ऑस्टेड के सम्मान में ही रखा गया ऑस्टेड के सम्मान में रखा गया और इन्होंने ही हैंस क्रिश्चन ऑस्टेड ने ही खोजा था कि किसी धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके पास रखी कैंपस जो होता है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है, नॉर्थ दो सिरा होता है, एक सिरा नॉर्थ की ओर और एक सिरा साउथ की ओर हमेशा जो है डायरेक्शन इंगित करेगा, तो जो कैंपस होगा वो विक्षेप उत्पन्न करता है, इसके कैंपस में परिवर्तन होता है। यही ऑस्टेड ने चुंबकीय क्षेत्र को खोजा था इसी के द्वारा। तो फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये कॉपर का वायर है, यहाँ से कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ कोई बैटरी से इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरी के टर्मिनल में जोड़ दिया जाता है, ये प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर होगा कैंपस का, ये नॉर्थ साउथ, तो ये इंडिकेटर जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो इंडिकेटर थोड़ा सा विक्षेप हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जब धातु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वो उसके क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग धातु के लिए अलग होता है। आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, तो अभी फ़िलहाल इतना रखिए कि जब धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो उसका आंसर टेस्ला होता, आगे हम लोग देखेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है आपको बताना है। तो आप याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र में दिशा और परिमाण दोनों होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदिश राशि। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में विद्युत मोटर के उदाहरण हो जाएगा पंखा, वाशिंग मशीन कंप्यूटर इत्यादि। विद्युत ऊर्जा को, है ना, पंखा में जब हमें विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो पंखा घूमने लगता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, इसी को बोलते हैं। वाशिंग मशीन में भी कपड़ा को घुमा के ही साफ़ किया जाता है, और कंप्यूटर में जो है फैन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है विद्युत मोटर का। तो इसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदला जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में चुंबक के गुण है। तो याद रखिएगा, असमान, यहाँ पे चलते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं एकदम। अगर असमान ध्रुव होगा, इसका ये नॉर्थ साउथ और इसका नॉर्थ साउथ, तो असमान ध्रुव जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, एक दूसरे को, ये प्लस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे को अपोजिट जो होगा पोल वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, एकदम सही बात है। स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी चुंबक को धागा से लटका दीजिएगा तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा
और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ यानी जो उत्तर और दक्षिण की ओर ही जाके रुकेगा। ये भी एकदम बिल्कुल रूप से सही है। प्रत्येक चुंबक में ध्रुव होते हैं, देखिए ये ध्रुव ही कहलाता है, तो इनका ऑल ऑफ दीज सारे चुंबक के गुण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चुंबक क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछा है, तो चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछेगा तो इसका आंसर टेस्ला हो जाएगा। अगर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता पूछता तो ऑस्टेट हो जाता। इसको याद रखिएगा, एसआई मात्रक होता है एक, क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है और तीव्रता का मात्रक तो ऑस्टेट होगा। तो ये दो क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत चुंबक होते हैं, तो विद्युत चुंबक किस प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। अस्थाई होते हैं, अस्थाई होते हैं, या दोनों होते हैं, या नन ऑफ दीज होते हैं। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबक जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। और आपको विद्युत चुंबक के बारे में दो तीन पॉइंट याद होना चाहिए। इसके चुंबकत्व को जो है आसानी से समाप्त कर सकते हैं, इनका चुंबकत्व को आसानी से समाप्त किया जा सकता है और इसका शक्ति में बदलाव किया जा सकता है। विद्युत चुंबक के शक्ति में इसका शक्ति को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और इसका चुंबकत्व को समाप्त भी कर सकते हैं। और ये अधिक शक्तिशाली होता है विद्युत चुंबक, और इसका ध्रुव भी जो है नॉर्थ और साउथ पोल है ना, इसका ध्रुव जो है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसको भी बदलाव किया जा सकता है। लेकिन अस्थाई चुंबक में इसका सब चीज़ उल्टा होता है, ये इसका पोल बदला नहीं जा सकता। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ साउथ ही रहेगा, ये उतना शक्तिशाली नहीं होता है अस्थाई चुंबक, और इसका शक्ति को बदला भी नहीं जा सकता, जितना शक्ति है उतना ही रहेगा और इसे समाप्त भी नहीं किया जा सकता। तो विद्युत चुंबक जो होता है अस्थाई होता है, और ये विद्युत धारा प्रभावित करके चुंबक बनाया जाता है। एक तार के लपेटे में कॉयल का लपेटा हुआ होता है, इसके अंदर कोई धातु का टुकड़ा डाल दिया जाता है और इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहाँ पे इस जो भीतर वाले तार होगा, ये लोहा जो होगा धातु का टुकड़ा, इसमें विद्युत चुंबकता आ जाएगी, इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुंबक अस्थाई होते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। और ये उतना शक्तिशाली बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसका पोल को भी बदल सकते हैं और इसका चुंबक को भी कमी या बेसी कर सकते हैं। तो इन सब का विद्युत चुंबक का पॉइंट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर के भीतरी अंगों का प्रतिबिंब किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर के भीतरी अंग का जो प्रतिबिंब होता है वो MRI से प्राप्त करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, लिख देते हैं हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और EEG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है, ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। तो आप याद रखिएगा, मानव शरीर के भीतरी अंगों का जो प्रतिबिंब होता है वो MRI से प्राप्त करते हैं। मानव शरीर जो है उसमें शरीर में चुंबक होता है, मानव शरीर में बहुत ही कम चुंबक होता है, चुंबकत्व होता है मानव शरीर में। और मानव शरीर में हृदय और मस्तिष्क में महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मानव शरीर के जो है भीतरी अंगों का इमेज जो प्राप्त करते हैं वो MRI द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धारा की दिशा तथा विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, धारा की दिशा यानी धारा की करंट का डायरेक्शन तथा विद्युत धारा की उपस्थिति, वहाँ पे विद्युत धारा है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक निम्न धारा को भी मापता है, इसीलिए धारा की दिशा तथा धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में कितने प्रकार के तारों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा,
घरेलू विद्युत परिपथ में तीन प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन तीन प्रकार के? एक लाल तार होता है, एक हरा तार होता है और एक काला तार होता है। लाल तार को विद्युत नुमय तार बोलते हैं, विद्युन्मय तार बोलते हैं, ठीक है। हरा तार को उदासीन तार बोल सॉरी हरा तार को भूसंपर्क तार बोलते हैं, भूसंपर्क तार बोलते हैं। भूसंपर्क तार ये पृथ्वी पे गाढ़ा हुआ रहता है, और काला तार जो है नेगेटिव होता है, उदासीन तार बोलते हैं इसको, उदासीन तार बोलते हैं, ठीक है। लाल तार जो है ये मेन विद्युत रहता है, इसमें 220 वोल्ट रहता है, ये मेन होता है, जबकि काला वाला उदासीन होता है और ये इसमें करंट नहीं होता। और हरा तार का काम होता है जब शॉर्ट सर्किट होगा तो ये हरा तार जो है सुरक्षित करता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका सही आंसर हो जाएगा तीन प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के दौरान उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा युक्तियाँ हैं। तो याद रखिएगा, जब शॉर्ट सर्किट होता है, करंट जब दो तार एक साथ सट जाता है किसी भी कारणवश, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होता है और विद्युत सर्किट जल जाता है, सर्किट जल जाता है। तो इसका सुरक्षा के लिए हमें किसका उपयोग करना चाहिए, इस सवाल का जवाब दीजिए। तो इसमें से भूसंपर्क तार जो अभी बताया कि भूसंपर्क तार जो है विद्युत सुरक्षा का उपकरण उपकरण के रूप में प्रयोग होता है, सुरक्षा युक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है विद्युत सर्किट के लिए। विद्युत फ्यूज का भी जो है ये भी सुरक्षा युक्ति है, जो है सर्किट को जलने से बचाता है। और एक एमसीबी होता है, एमसीबी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर का काम क्या होता है, जब घरों में शॉर्ट सर्किट होता है, लघु पतन होता है, तब एमसीपी जो है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पे उसका स्विच लगा हुआ होता है और ये स्विच नीचे की ओर गिर जाता है, तो ऑटोमेटिक ये होता है एमसीबी में काम। और जो है विद्युत सुरक्षा जो उपकरण होता है, जो विद्युत धारा से लगा हुआ रहता है, उन सब का सुरक्षा हो जाता है। तो एमसीबी इसका इसका तो सभी ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो है विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे क्या बोलते हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र या जनरेटर, इसका इंग्लिश होगा जनरेटर, है ना, जनरेटर, इसका इंग्लिश होगा जनरेटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत धारा का मान होता है। मान के चलिए यहाँ पे जो है कोई बल्ब लगाए हुए हैं आप, और एक दूसरा तार यहाँ से है, मान के चलिए ये दो तार बीच में ही कहीं सट गया, तो शॉर्ट सर्किट होगा, इधर से विद्युत धारा आ रही है, तो यहाँ पे जो है बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पे दो तार सट गया आपस में, तो शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत धारा का मान, तो जैसे यहाँ पे सटेगा इस जगह पे विद्युत धारा का मान ये दो तार में बहुत ज़्यादा अधिक होगा, अधिक होने के कारण ये पिघल जाएगा या जल जाएगा या आग पकड़ लेगा। तो यहाँ पे विद्युत धारा का मान शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भूसंपर्क तार का विद्युत रोधी का आवरण रंग होगा। तो जो भूसंपर्क तार होता है उसका जो बाहर में जो कवर लगाया हुआ होता है, भूसंपर्क तार के बाहर में जो कवर लगाया हुआ होता है, उस कवर का रंग पूछा है। तो जैसे बताए कि ये हरा रंग का होता है भूसंपर्क तार, ये हरा रंग जो है भूसंपर्क तार के लिए प्रयोग करते हैं, भूसंपर्क तार के लिए, और जो है काला रंग जो है ये उदासीन तार होता है, और लाल रंग जो है ये पॉजिटिव तार होता है, इसमें 220 वोल्ट रहता है इन दोनों के बीच, ये दोनों तार के बीच, ठीक है। इसे विद्युत विद्युन्मय तार बोलते हैं इसको,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरा। अगला क्वेश्चन है, बस यहीं तक था आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर करना एकदम ना भूलिए। अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बात बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने इससे पहले तैयारी किया होगा कंपटीशन का, तो जितना भी एग्ज़ाम दिए होंगे साइंस का क्वेश्चन 9th और 10th, है ना, 9th से तो उतना नहीं 10th पे, जबकि सिलेबस में भी दिया हुआ है कि 10th क्लास के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अगर आपने इन 500 क्वेश्चन जो करा रहे हैं 16 चैप्टर में, इन क्वेश्चन को कर लिया और जो बता रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ, तो आपका एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैंने जो 39 सेट बनाया है RRBJEE का, उसमें लगभग सारे सवाल जो है इसी तरह से ही रहते हैं, और हल्का हल्का सवाल रहते हैं, बस आपको चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। वो आपको देखता है कि आपके पास ज्ञान है कि नहीं है। इसीलिए एकदम मेहनत से सारे क्वेश्चन को किसी भी तरह से याद कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन इसमें है जो याद करने लायक नहीं है, समझने का है तो समझने का प्रयास कीजिए, और कुछ क्वेश्चन जो है आविष्कारक, ये सब को तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगला।